कुछ खाद्य पदार्थ सीधे सीधे प्रकृति ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिए हैं, उन्हीं में से एक गिफ्ट दिया है टमाटर का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रक्त की कमी से परेशान हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, अगर आप बलशाली नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आपकी जो ग्रोथ है, आपके बच्चों की ग्रोथ है, कमज़ोर हो गई है, तो आप अपने खाने में ये लाल लाल टमाटर शामिल ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इन्हें खाने का एक तरीका है, वही तरीका आपके लिए हम आज शेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टमाटर साधारण तरीके तो सभी खाते हैं, लेकिन आप टमाटर किस प्रकार खाएं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक रहे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा हमने आपको बताया कि टमाटर सब्जी के रूप में तो सभी खाते हैं, आप सलाद चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, लेकिन टमाटर का प्रयोग कभी भी साधारण या सीधे तौर पे मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी टमाटर ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए, फ्रिज आदि में से निकाल कर तुरंत ही ठंडा टमाटर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बात, टमाटर के बीज ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, टमाटर के बीज हमारे पेट में गलते नहीं हैं, पचते नहीं हैं, और वो पथरी का कारण भी बन सकते हैं। तो आप जब भी टमाटर खाएं, उनके बीज कम से कम खाने की कोशिश करें। चौथी आपके लिए जानकारी होगी कि आप टमाटर खाते समय नमक का प्रयोग अवश्य करें, वो चाहे काला नमक हो सकता है या फिर सेंधा नमक। टमाटर का प्रयोग अगर आप सूप के रूप में करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कभी कभी टमाटर कच्चा खाने से एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है, तो अगर आप सलाद खाते हैं तो सलाद प्याज के साथ बनाकर खाइएगा, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये साधारण जानकारियाँ थी, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। हमें उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से हमारी वीडियो देखते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट द्वारा आप अपने विचारों से हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।